हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और कल उसका नोटिफिकेशन आ गया था कि 3 तारीख से आप 3 अगस्त से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आज उसका पूरा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दिल्ली पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल साइट पे प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लगभग 99 पेजेस का वो प्रोस्पेक्टस है, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी मैं वीडियो भी बना के आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपको जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं वो आपको उसमें क्लियरली पता चल सके। और साथ ही साथ बहुत ही लोगों के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई उसमें इस बार क्या है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो भी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और कोई भी स्टेप मिस ना करें, ताकि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कोई भी कमी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो लिखा गया है कि रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग द सबमिशन, जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं उस समय इस जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, ताकि आप उसको अपलोड कर सकें। अपलोड स्कैन क्लियर रीडेबल एंड कलर्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर क्रॉस चेक एंड डॉक्यूमेंट। अपलोड क्या क्या करना है, क्लियर जो अपलोड कर रहे हैं आप वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए यानी पढ़ने योग्य होना चाहिए, कलर इमेज में होना चाहिए जो कि फोटोग्राफ हो, कलर इमेज होना चाहिए, और सिग्नेचर एक क्रॉस चेक लगाना है आपको अपना, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लगाने हैं। तो पूरी डिटेल जानते हैं। द स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर द स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट ओनली। जो स्कैन इमेज जो होगा, जो फोटोग्राफ्स होंगे वो JPG फॉर्मेट में होगा, और उसका जो साइज होगा वो 4 KB से ऊपर और 100 KB के अंदर होना चाहिए। जो फाइल की साइज होगी वो 4 से लेकर 100 KB के बीच की होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लियरली शोइंग फेस होना चाहिए, जो आपका फेस हो बिल्कुल सेंटर में दिखना चाहिए, आपके दोनों कान जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली उसमें दिखाई देने चाहिए, इस प्रकार की फ़ोटो आपको खिंचवानी है। ठीक है दोस्तों, नो कैप और हेड ऑफ एनी सॉर्ट शुड बी यूज इन फोटोग्राफ, ना कोई टोपी होनी चाहिए, ठीक है, और कोई शॉर्ट्स वगैरह में भी वो फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, साइज ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 30 KB। जो सिग्नेचर की फाइल अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए वो 1 KB से लेके 30 KB के बीच का होना चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे कम। साइज ऑफ क्रॉस और ऑब्लिक कैंसिल चेक इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 80 KB। जो आपको एक कैंसिल चेक भी लगाना है, क्रॉस चेक या कैंसिल चेक जिसको बोलते हैं, जिसका जो साइज है वो 1 KB से लेके 80 KB से के बीच का होना चाहिए, यानी 1 KB से ऊपर और 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 80 KB से कम का होना चाहिए। द स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली। जो आप स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में ही आप उसको अपलोड कर पाएंगे। द साइज ऑफ PDF डॉक्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 20 KB एंड लेस देन 300 KB। जो आपका फाइल होगा, जो PDF होगा आपका, वो 20 KB से ज़्यादा का होना चाहिए जो उसकी साइज होगी, और 300 KB से कम का होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये जो साइज़ वगैरह का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इजीली सॉल्व हो सकता है। आप इसको जो PDF है, PDF रिसाइज करके गूगल पे, कई सॉफ्टवेयर भी हैं, आप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा गूगल पे जाके और रिसाइज PDF करके जो सर्च करेंगे तो उसमें कई साइट्स होती हैं जो जिस पे आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे तो उसको कम करके आपको वो प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, ऑल डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन एप्लीकेशन हैज़ टू बी अपलोडेड एज कलर स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनली एंड हैज़ टू बी रीडेबल। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको वो कलर स्कैन होना चाहिए,
ये नहीं कि आप किसी फोटोकॉपी की आपने स्कैन करके वो अपलोड कर दिया तो वो मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कलर बिल्कुल कलर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसको स्कैन करके ही अपलोड करने हैं ताकि वो कलरफुल हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े जाने योग्य हो, मतलब कोई भी जो वर्ड है उसका वो मिस ना हो, सारी चीज़ें साफ साफ क्लियर दिख रही हों। स्कैन कॉपी ऑफ फोटो स्कैन कॉपी ऑब्लिक फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कई लोग होते हैं फोटो कॉपी के ही स्कैन करके और अपलोड कर देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं चलेंगी और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट किस प्रकार के होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट? मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो 10th का आपका सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, जो से जो एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं या जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं उसकी मार्कशीट होनी चाहिए जिस ग्रुप के लिए कर रहे हैं। अगर आप SC ST OBC EWS किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सब कैटेगरी अगर कोई अप्लीकेबल है तो, और स्टडी सेंटर ID इन केस ऑफ NOIS एंड पत्राचार्ज, अगर आपने जो है 10th या 12th जो है जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पत्राचार्ज या NOIS से किया है तो आपको उसका स्टडी सेंटर ID प्रोवाइड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं फॉर्म फिल करते समय, और अगर आपके पास इस पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप उसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने के लिए आपको बैठना है। उससे पहले दोस्तों आपको पूरा प्रोस्पेक्टिस भी पढ़ लेना है और जो भी मेन पॉइंट है वो आपको नोट कर लेने हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल करेक्ट सही तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। उससे पहले अगर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं भी आपको वीडियो के द्वारा, एक नई वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको वीडियो के द्वारा समय समय पर बताया जाएगा और जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों चैनल जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।